दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता, सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे राजभवन। वहीं बिहार में गहराई जोड़ तोड़ की सियासत, सरकार बनाने की दूरगामी रणनीति बना रहे तेजस्वी यादव। वहीं सोमवार को शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा ऐलान, बोले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना जनादेश का बड़ा अपमान। वहीं भले ही मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार, लेकिन रिमोट कंट्रोल होगा किसी और के हाथ में। वहीं बिहार चुनाव में आरजेडी ने अभी भी नहीं छोड़ी सरकार बनाने की कोशिश, मनोज झा के ट्वीट से गरमाई सियासत। वहीं बिहार में एनडीए को काफी कमजोर बहुमत, नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री। वहीं बिहार में सस्पेंस हुआ खत्म, नीतीश होंगे मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। वहीं बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा की बड़ी मजबूरी। वहीं बिहार चुनाव में महागठबंधन में पड़ी फूट, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दिया ये बड़ा बयान। वहीं आरजेडी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले कोई 40 सीटें जीतकर कैसे बन सकता है मुख्यमंत्री, बिहार में जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,100 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 88,14,579 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 447 लोगों की मौत हो गई। वह अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता, राजभवन में सरकार बनाने का दावा किया पेश। जी आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बिहार में एनडीए के चारों घटक दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के विधान मंडल दल की बैठक रविवार को राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधान मंडल दल का नेता चुन लिया गया है। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया। इस बीच एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, जीतनराम और मुकेश सहनी समेत कई अन्य नेता राजभवन पहुंचे। राजभवन में माना जा रहा है कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार राज्यपाल को चारों दलों द्वारा समर्थन पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में गहराई जोड़ तोड़ की सियासत, सरकार बनाने की दूरगामी रणनीति बना रहे तेजस्वी यादव। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ जहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है, वहीं महागठबंधन भी सरकार बनाने की दूरगामी रणनीति बना रहा है। बताया जा रहा है कि जोड़ तोड़ की कोशिश के बीच उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी ऑफर खुल गया है। महागठबंधन के प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने इसमें अपने कुछ प्रमुख सिपाही सलाहकारों को लगाया है। जोड़ तोड़ की कोशिशों का खुलासा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी हाल ही में कर चुके हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा कहते हैं कि जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ है और हम इसका विकल्प खोज लेंगे। इससे पहले आरजेडी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि एनडीए सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। बताया यह जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से बाहुबली अनंत सिंह और रीतलाल यादव को महागठबंधन की सरकार के लिए जुगाड़ करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि विधान परिषद सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को भी इस काम में लगा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके सहयोग के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को भी लगाया गया है। आपको बता दें कि आरजेडी सांसद भले ही इनकार करें, लेकिन हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें महागठबंधन की ओर से बुलावा आ रहा है, लेकिन वे मरते दम तक नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। आपको बता दें कि शुक्रवार को हमके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर जीत दर्ज की है, इसलिए उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार महागठबंधन की सरकार बनाने की गुप्त मुहिम में हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें अपने पुराने घर में लौटने का हवाला देते हुए उप मुख्यमंत्री व अन्य बड़े पदों का ऑफर भी दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि को एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से महागठबंधन जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश में है। यदि मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ले भी लेते हैं और उसके बाद भी यदि वीआईपी और हम अपना समर्थन वापस ले लेती है और महागठबंधन के साथ चली जाती है, तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी और फिर से महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में सस्पेंस हुआ खत्म, नीतीश कुमार बनेंगे
बनेंगे मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने रविवार को पटना में एक बैठक में नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है, जिसके बाद 69 वर्षीय नीतीश कुमार के एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। बिहार में सरकार बनाने की रूपरेखा तय करने के लिए एनडीए की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। एनडीए की बैठक नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास में आयोजित की गई थी। इस बैठक में बीजेपी की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। एनडीए नेताओं ने आगे फैसला किया है कि सुशील कुमार मोदी को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी होंगे। वह अगली बड़ी खबर, आरजेडी सांसद मनोज झा का नीतीश कुमार पर तगड़ा हमला, बोले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना बिहार की जनता का अपमान। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार में सरकार के गठन को लेकर एनडीए की ओर से जारी माथापच्ची को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 243 सीटों में से केवल 43 सीटें जीतकर कोई बिहार का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। उन्होंने कहा कि ये जनमत का अपमान है, ये बिहार की जनता का अपमान है, क्योंकि बिहार की जनता ने सिरे से ही नीतीश कुमार को खारिज कर दिया है और सिरे से नीतीश कुमार को नकार दिया है। आरजेडी इसे स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एनडीए व अन्य पक्षकारों को चाहिए कि वो इससे बेहतर विकल्पों पर विचार करें। आरजेडी सांसद ने कहा कि इसके बदले बिहार को दूसरा विकल्प मिलना चाहिए जो वर्तमान विकल्प से बेहतर हो, भले ही इस विकल्प पर अमल करने में 1 सप्ताह 10 दिन या फिर 1 महीने का समय और क्यों ना लग जाए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को सिरे से नकार दिया है। आपको बता दें कि महागठबंधन की सरकार को लेकर मनोज झा ने कहा कि यदि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो वीआईपी और हम पार्टी महागठबंधन में शामिल हों, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि जनता ने तेजस्वी यादव को पूर्ण समर्थन दिया है, क्योंकि आरजेडी बिहार में सबसे पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। वह अगली बड़ी खबर, महागठबंधन ने नीतीश कुमार पर बोला तगड़ा हमला, बोले भले ही मुख्यमंत्री बन जाए नीतीश कुमार, लेकिन रिमोट कंट्रोल होगा किसी और के हाथ में। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने कहा कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाए, लेकिन इस बार राज्य की बागडोर किसी और के हाथ में होगी और नीतीश कुमार रिमोट से चलने वाले मुख्यमंत्री होंगे। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में अनवर ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर और सियासी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को कमजोर किया है। आपको बता दें कि हालांकि अनवर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पूर्व में एनडीए गठबंधन के एक मजबूत नेता और मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मुख्यमंत्री बना देगी। इस बीच बिहार एनडीए ने फिर से नीतीश कुमार को गठबंधन के विधायक दल का नेता चुन लिया है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में आरजेडी ने नहीं छोड़ी सरकार बनाने की कोशिश, मनोज झा के ट्वीट से बिहार की गरमाई सियासत। जी आपको बता दें कि आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही बहुमत नहीं मिल पाया हो, लेकिन इस ओर से सरकार बनाने की कोशिश नहीं छोड़ी गई है। सूरत में आरजेडी की ओर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने रविवार को सुबह एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट कर लोगों के मन में संशय पैदा कर दिया है और बिहार की राजनीति में हंगामा कर दिया है। आपको बता दें कि मनोज झा ने रविवार की सुबह अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि जनता जनार्दन के फैसले व प्रशासन की ओर से जारी नतीजों के बीच फासला को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन की इस अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबके लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार के युवा संविदा कर्मी नियोजित शिक्षक हैरान है। उन्होंने लिखा है कि बिहार अभी खुला हुआ है। ट्वीट के इस आखिरी पंक्ति का मतलब समझने की कोशिश में लोग लगे हैं। आपको बता दें कि एक यूजर ने उनसे पूछा कि क्या वे सरकार बनाने की कोशिश जारी रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिहार जल्दी ही अपना नया प्लान तैयार कर लेगा और बिहार में जल्दी ही महागठबंधन की सरकार बनेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वह अगली बड़ी खबर, आरजेडी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले बिहार में एनडीए को काफी कमजोर बहुमत, नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री, एनडीए की गिरेगी सरकार, जल्द बनेगी महागठबंधन की सरकार। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार के पास बहुत कम बहुमत है। उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का गंभीर और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार पर 2017 में महागठबंधन से एनडीए में जाने के लिए लोगों के जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का
गंभीर आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बिहार की जनता अब जाग गई है। मनोज झा ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि यहां तक कि NDA और भाजपा को भी मानना चाहिए कि अगर ये बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार मात्र विधानसभा की 43 सीटें ही नहीं जीतते। नीतीश कुमार कम बहुमत पर हैं। कम बहुमत वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती है। उन्होंने कहा कि RJD ने पहले ही कम वोट मार्जिन के बारे में भारत के चुनाव आयोग से संपर्क किया है और आने वाले दिनों में जवाबदेही की मांग करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर आने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि RJD ने नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की गंभीर चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य के राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि मनोज झा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने लोगों के जनादेश को दबा दिया है, लेकिन अब बिहार के लोग जाग गए हैं। अब बिहार के लोग आपको नहीं बख्शेंगे। लोग अब जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर आएंगे और आपसे जवाब मांगेंगे। आपको बता दें कि मनोज झा ने सीधा कहा कि NDA की सरकार जल्द गिरेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने तो वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली बड़ी खबर, सोमवार शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। जी, आपको बता दें कि बिहार में NDA विधायक दल की बैठक में नई सरकार के स्वरूप पर मुहर लग गई है। विधायक दल की बैठक में NDA के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगी है, यानी नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सोमवार को शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उपनेता यानी कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ही होंगे। नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उधर भाजपा विधायक दल के नेता तारकेश्वर प्रसाद सिंह को चुना गया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।